हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राहुल आज 750 फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन पीडीएफ कैसे हम एडिट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कई बार कि यार हम अपनी पीडीएफ वगैरह जैसे होती है तो हम उसको कैसे एडिट करें, जो कि जेपीजी वगैरह आप फोटोशॉप वगैरह हम जाके आप दे सकते हैं, वहाँ से हम एडिट कर सकते हैं। बट पीडीएफ की जो है वो भी एडिट हो जाती है, बट लेकिन जितनी सफाई से हमको एडिट करनी है वो नहीं हो पाती है दोस्तों, उसको आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें एंड तक, और वीडियो को इसकी बिल्कुल ना करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो वेलकम है, स्वागत करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको गूगल खोल लेनी है। गूगल में हमको डालना है पीडीएफ टू एडिटर। देखो मैंने ऑलरेडी यहाँ डाला हुआ है तो ये आ रहा है। यहाँ पर लिखना है पीडीएफ टू एडिटर। दोस्तों पीडीएफ टू एडिटर लिखने के बाद हमको फर्स्ट नंबर की वेबसाइट मिलती है जिसपे इजी टू यूज एंड ऑनलाइन पीडीएफ एडिट ये लिखा हुआ है। दोस्तों हमको इस पर क्लिक कर देना है कुछ इस तरह से। दोस्तों जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हो कि अपलोड पीडीएफ फाइल का ऑप्शन हमको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हो आप यहाँ पे। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो एक अलग से फोल्डर खुलता है जिसमें जो ये आप डेस्कटॉप वगैरह यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पर आपकी ये पीडीएफ है उस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करते हो तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ये फाइल खुल जाएगी, जो भी आपकी पीडीएफ है ठीक है दोस्तों, तो इसमें ऐसे खुल जाएगा। इसके बाद हमको क्या करना है, उसके बाद हमको यहाँ पे जैसे टेस्ट पे यहाँ पे ऑलरेडी क्लिक हुआ पड़ा है फर्स्ट नंबर पे, आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे एडिट पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि किस तरह से आप आई यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद हमको इस पर क्लिक, जो भी आपको एडिट करना है जैसे यहाँ पे आपको ये फिलअप करना है, तो जैसे आप यहाँ पे आधार नंबर डालना है जो भी आपका है यहाँ पे, तो वो डाल सकते हो और एक खाली जगह क्लिक कर सकते हो, उसके बाद ही सेव हो जाता है। लेकिन आपको डिलीट करना है तो डिलीट का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखो यहाँ डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है ठीक है। तो आप खाली जगह क्लिक कर दें और अगर आपको लगता है कि नीचे है जैसे ऊपर सरकाना है फाउंड, तो आप उसको अपने माउस के क्लिक के जरिए आप यहाँ उसको सरका सकते हैं। दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर मैंने ही सरका दिया है। तो उसके बाद ऐसे ही हम इसको फॉर्म को फिलअप कर लेते हैं, जैसे अगर इनकी गलत हो गया तो वहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद जैसे किसी का नाम डालना है तो आप उसका नाम यहाँ पे फॉर्म पे डाल सकते हो, एक्स वाई जेड, आप पीडीएफ को कैसे भी कहीं से भी एडिट कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं अगर डिलीट करना है कोई फॉर्म का गलत है आपके सिस्टम पर तो वहाँ से वो आप डिलीट भी कर सकते हो। लेकिन दोस्तों कोई फॉर्म गलत है तो आप यहाँ से उसको डिलीट कर सकते हो। आप देख सकते हो जैसे मैंने इस पर क्लिक किया क्योंकि ऑलरेडी पीडीएफ में ये फॉर्म था तो मैं इसको डिलीट करना चाहें तो वो भी वहाँ से कर सकते हैं ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस फॉर्म को यहाँ से सब आप भर सकते हो, एक्स वाई जेड जो भी आप डालना चाहते हो फॉर्म में, विलेज वगैरह, पोस्ट ऑफिस, स्टिक ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आप फॉर्म एक्स वाई जेड कोई भी पीडीएफ को यहाँ से आप इजीली एडिट कर पाओगे। उसके बाद ऑप्शन आता है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे जो ये टिक का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे न्यू एनरोलमेंट, जिसे हमें टिक करना है तो टिक कैसे करेंगे, सही कंडीशन कैसे आएगा, तो उसके लिए हमको क्या करना है ऊपर एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हो पीडीएफ के यहाँ पे जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है फॉर्म्स का, और इसमें जाके देखोगे हमें बहुत सारे फॉन्ट दिए हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सही के फॉन्ट पर क्लिक कर देना है, और जैसे ही आप सही के फॉन्ट पर क्लिक करते हो तो आपके क्लिक के साथ एक सही का निशान भी आ जाएगा, और उस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर वो सही का निशान इन पर भी डाल दिया है ठीक है दोस्तों। तो और वापस से आके हमको ए बी सी जो भी आप यहाँ पर हैं इसको क्लिक कर देना है ठीक है दोस्तों। वापस से हमको आके कर देना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्म चेंज हो गया है, यहाँ पे सही का निशान लग चुका है तो यहाँ पे आप देख सकते हो सही का निशान लग चुका है। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हो यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है हमको फर्स्ट नंबर का एज लिखा हुआ है इस पर हमको क्लिक करके ही हमको यहाँ पे लेना है। तो उसके बाद हमको जैसे ही हम किसी भी क्लिक करते हैं तो फाउंड आ जाता है वापस से, हम किस कोई भी चीज़ यहाँ से डाल सकते हैं ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमको क्या करना है, देख सकते हैं जो भी आप चेंज करना चाहते हो पीडीएफ को वो चेंज हो जाती है। जैसे ही आपकी पीडीएफ चेंज हो जाती है कम्प्लीटली यहाँ से, तो आपको सिंपली क्या करना है दोस्तों, नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई टू चेंज ठीक है दोस्तों। यहाँ अप्लाई टू चेंज पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई टू चेंज क्लिक करोगे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, प्रोसेस होने के बाद जो आपकी पीडीएफ है वो नीचे की तरफ यहाँ पे
ओपन हो जाती है और आप अगर इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ डाउनलोड करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है दोस्तों। जैसे हम इसको डाउनलोड करते हैं तो ये PDF में डाउनलोड हो जाता है, आप देख सकते हो। ये PDF में यहाँ पे डाउनलोड हो जाता है दोस्तों, देख सकते हो। इसको डाउनलोड से आप सेव भी कर सकते हो आपके सिस्टम पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से ऐसे इसके फिर इसके बाद आप अगर प्रिंट देना चाहते हो तो प्रिंट भी यहाँ से दे सकते हो। XYZ जो भी आपका प्रिंटर है वहाँ से सेलेक्ट करके प्रिंट दे सकते हो। तो ये इजीली आराम से आप एडिट कर सकते हो, फॉर्म भी भर सकते हो। जैसे ऐसे आपका पास फिलअप वाली फॉर्म है वो भर सकते हो, या कि कोई PDF को एडिट करना चाहते हो। लेकिन दोस्तों इसको किसी गलत काम में बिल्कुल इस्तेमाल मत करना, सही इस्तेमाल करोगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, गलत में बिल्कुल मत करना दोस्तों। इस चीज़ को बहुत बढ़िया चीज़ है अगर आप करते हो तो दोस्तों। तो मुझे लगता है आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो हमको कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हो दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार अगर आप चैनल पर नए हो।